नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा BECIL यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड का दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों यहाँ पर एक वैकेंसी निकल कर आई हुई है जो कि कक्षा 8, 10, 12 ITI डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों जब आप लोग नीचे जाएंगे करियर्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर देखिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 195 एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर पोर्टली ऑन आउटसोर्स बेसिस फॉर द, देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड डेट है 21 सितंबर 2022, 5 अक्टूबर 2022 इसका लास्ट डेट है। व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं जो डेट है 20/9/2022 यहाँ पर दिखा रहा है, और वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 195 है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पदों पर वैकेंसी, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर का निकाला गया है, योगा थेरेपिस्ट का है, IT इंजीनियर का है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टाफ नर्स का है, सिक्योरिटी ऑफिसर का है, फार्मासिस्ट का है, और पंचकर्मा का है, और ड्रेसर का है, बायोमेडिकल इंजीनियर का, प्लम्बर का है, इलेक्ट्रिशियन का है, कारपेंटर का है, और यहाँ पर देख सकते हैं पेंटर का, गार्डनर का है, MTS का, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिविल इंजीनियर का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है, ये सब देख सकते हैं टोटल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो आप अगर देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें मेडिकल ऑफिसर का, तो एज 45 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 45 से कम ही साल का होना चाहिए। और जो आपको पर मंथ दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते 75,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। योगा थेरेपिस्ट को 50,000 रुपये पर मंथ, 45 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, और फुल यहाँ पर PG डिग्री मांगा गया। IT इंजीनियर वालों के लिए 45 सीट है, 50,000 से ज़्यादा 50,000 आपको लगभग मिलेगा, और BCA BCOM ये सब देख लीजिएगा। MSc जो मांगा गया है, स्टाफ नर्स वालों के लिए यहाँ पर BSc MSc और डिप्लोमा इन नर्सिंग ये सब मांगा गया है। 37,500 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, 45 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर का देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपको 35,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, 50 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। फार्मासिस्ट का यहाँ पर देख सकते हैं बी फार्मा या बी फार्मा होना चाहिए आयु, देख सकते हैं 28,000 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको, 45 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। पंचकर्म यहाँ पर टेक्नीशियन 02 जो सीट है, कक्षा 10 बेस पर ये निकाला गया वैकेंसी, या फिर 12 पास हो, तो कक्षा 10 पास हो और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो, या फिर 12 पास हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर डिप्लोमा 1 ईयर ड्यूरेशन पंचकर्मा हो, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, और यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। ड्रेसर वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक सीट है, यहाँ पर कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ये देख सकते हैं सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ड्रेसर ड्रेसिंग एंड फर्स्ट एड, ये इन सब में दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट हो या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो 20,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बायो मेडिकल इंजीनियर का दोस्तों बी या बी टेक हो या डिप्लोमा इन बायो मेडिकल में हो, तो आपको 45 साल से ज़्यादा एज ना हो, तो आपको 70,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। देखिए प्लम्बर वालों के लिए एक सीट है, जो कि आपका ITI होना चाहिए, ITI जो होना चाहिए आपका प्लम्बर ट्रेड में होना चाहिए, ठीक, 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, ITI होना चाहिए आपके पास। और कारपेंटर वालों के लिए देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर है सी टेक, और पेंटर वालों के लिए ITI होना चाहिए। गार्डनर के लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक, और MTS वालों के 12 पास होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। बैचलर डिग्री डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए मांगा गया है, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। सिविल इंजीनियर के यहाँ पर 40 सीट से 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। बी या बीटेक मांगा गया है, या फिर डिप्लोमा हो आपका सिविल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं बी या बीटेक हो या डिप्लोमा हो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ये सब आपका दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ भी डिटेल है, और इसका जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 5/10/2022 इसका लास्ट डेट है, ठीक। और आपको दोस्तों ये जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से यहाँ पर मिलेगा आपको, इसी नाम से सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग जैसे सर्च करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल भी आएगा, ग्रुप अगर नाम से सर्च करेंगे ग्रुप आ जाएगा, इसमें 4,200 लगभग स्टूडेंट हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसमें कोई भी आपका डाउट होगा पूछ सकते हैं,
ठीक है। और स्टडी से रिलेटेड मटेरियल दोस्तों फाइल्स वाले सेक्शन में आपको मिलता है, ठीक। देख सकते हैं 1365 फाइल्स यहाँ पर हमने डाला हुआ है, इसे आप लोग चेक कर लीजिए। तो दोस्तों यही है आप लोगों को बताना था, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।